पहले पहले के दादा दादी बूढ़े बुजुर्ग घर के जो भी होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे परिवार इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि हर जगह हमारे घर के सदस्य रहने लग जाए। और वंश वृद्धि को लेकर के दादा दादी बड़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा वंश सुंदर विस्तार हो जाए। आजकल के लोग घर में दो बच्चे हो गए वही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आजकल दो बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन पहले पहले 9-10 बच्चे हुआ करते थे और सब लोग एक घर में रहते थे और प्रेम से रहते थे। कई कई जाते हैं तो एक घर में 60 सदस्य भी हमने देखा, कथा में बहुत ज़्यादा जगह में जाते रहते हैं, किसी के घर में तो 60-60 सदस्य भी मिल के रहते हैं। आजकल लोग 3-4 जन भी बहुत ज़्यादा समझते हैं, एक दूसरे से प्रेम भावना नहीं है, लड़ाई करते हैं, लेकिन वंश वृद्धि बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति चाहते हैं वंश वृद्धि होता रहे, हमारा कुल का नाश, हमारे वंश का नाश कभी ना हो, तो ये तीन गलती आपको कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ये तीन गलती करते हैं ना, उनका वंश वृद्धि नहीं होगा। वो कौन से तीन गलती है? देखिए, सबसे पहले कहा, जो व्यक्ति दूसरों का धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों के संपत्ति अपने कब्जा में कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर में, जो व्यक्ति रत्न की चोरी कर लेता है, रत्न चोरी करता है, इनके यहाँ भी वंश वृद्धि रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध तर्पण करना छोड़ देता है, पितरों का श्राद्ध बहुत समय से चलता आ रहा है और हर एक घर में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है, और जिस घर में पितरों को श्राद्ध नहीं देते, श्राद्ध नहीं करते, ऐसे घर में उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। ये बात ब्रह्म पुराण में उल्लेख किया गया, प्रमाण के रूप में ब्रह्म पुराण में आप अध्ययन कर सकते हैं। ये न्यासाद्युपहर्तारो रत्नापन्हा बकारकाः श्राद्ध कर्म विहीनश्च तेषां वंशो न वर्धते। इस प्रकार ब्रह्म पुराण में बताया गया है। अगर आप भी अपने वंश वृद्धि चाहते हैं तो ये तीन प्रकार के गलती कभी भूल से भी ना करिएगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।